उदयपुर से खबर है जहां मदरसे के लिए जमीन आवंटन के विरोध में आज मावली बंद का आह्वान किया गया है। बंद का मावली तहसील में दिख रहा है व्यापक असर और निजी स्कूलों ने आज घोषित की है छुट्टी। सुबह से नहीं खुला है मावली कस्बा और तहसील बाजार। थोड़ी देर में पुराना बस स्टैंड पर जमा होंगे समाज के लोग। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मावली में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वर्ष 2021 में मदरसे के लिए जमीन का आवंटन हुआ था। विरोध के बाद मावली SDM ने जांच करवाई थी। आवंटित जमीन जल भराव क्षेत्र की होना सामने आया है, जिसके बाद अब लोगों के द्वारा पूरे मामले पर आक्रोश जताया जा रहा है। उदयपुर से खबर जहां मदरसे के लिए जमीन आवंटन के विरोध में आज मावली पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया गया है। मेरे साथ सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ स्थिति आज की वहां पर रहने वाली है? अब बिल्कुल देखिए आयुषी, दरअसल मावली जो कस्बा है वहां पर मदरसे के लिए एक जमीन का अलॉटमेंट हुआ था वर्ष 2021 में, और स्थानीय लोगों का ये आरोप है, सर्व समाज का ये आरोप है कि ये जो जगह है वो दरअसल तलाई क्षेत्र की है, जहां पर पानी भरा रहता है, जल भराव वाली जगह है। और जो एक हाई कोर्ट का एक जो डिसीजन है, अब्दुल बनाम जो हाई कोर्ट राजस्थान सरकार का जो डिसीजन आया था, उसका भी ये उल्लंघन है। तो ऐसे में SDM ने, जो SDM मावली है, उन्होंने अग्रिम दिशा निर्देश जो है वो जिला कलेक्टर से मांगे हैं, और संभव है कि जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट की होगी। और ये भी जो संभावना है वो जताई जा रही कि आज ये जो आवंटन है इसको निरस्त भी किया जा सकता है, चूंकि जिस तरीके का विरोध सामने आया और जिस तरीके की जमीन की जो किस्म सामने आई है वो दरअसल जल भराव वाली है। तो ऐसे में इस तरह की जो जमीन है उनका अलॉटमेंट नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि ये जो जगह है इसके ठीक सामने हिंदू समाज का कब्रिस्तान भी है, तो ऐसे में किसी भी तरह की संभावित समस्याओं से निपटने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और साथ ही साथ ही कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला है इसको आपसी समझाइश से और शांति के साथ में सुलझाया जाए, और जो भी डायरेक्शन, विधिक जो डायरेक्शंस हैं, जो लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही इस पूरे मामले पर अब आगे निष्कर्ष जो है उस पर पहुंचा जाएगा। जी बिल्कुल रवि, पूरे मामले पर नजर आप बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।